प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों पवित्र सावन माह को लेकर शिव भक्तों को उत्साह चरम पर है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष सावन माह में प्रतिकूल मौसम रहने के बावजूद शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। इसी कड़ी में सावन की दूसरी सोमवारी को चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी में प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालयों में भक्तों का हुजूम देखा गया, जिसमें कलना गांव स्थित ऐतिहासिक कलनेश्वर महादेव स्थान, कमतोल गांव स्थित मनोकामना महादेव के अलावा पुतगांव खिरहर झिटकी हरसुवार व सुकवासी गांव में शिवालय में शामिल है। इसमें कालनेश्वर व मनोकामना महादेव स्थान में दूर दराज से शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए सुबह 5 बजे से ही कतारों में दिखने लगी। इस दौरान शिव भक्तों के हर हर महादेव की जय घोष से पूरा मंदिर प्रांगण में भक्ति में माहौल बना हुआ था। स्थानीय पुजारी और ग्रामीण भक्तों को दर्शन व पूजा के सहयोग के लिए तत्पर थे। वहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरलाखी के थाना जितेंद्र कुमार सहनी, BDO रविशंकर पटेल, CEO रीना कुमारी भी मुस्तैद दिखे। पैसा का टाइम नहीं छे आए कल। तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहु लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।